शुक्रवाणी दोस्तों, और काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो के, और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हलचल मची हुई थी ऑफिस में, और वो ऑफिस की हलचल की वजह से काफ़ी कुछ काम नहीं हो रहा था ढंग से। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, यहाँ से सुबह के बज रहे 7:30, और सुबह के 7:30 बजे एकदम सन्नाटा होता है वैसे शहर में, और सुबह सुबह मुझे बहुत ही तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है एवरी डे मॉर्निंग, और वो तकलीफ है हमारा ये VIP रोड। नाम इसका VIP रोड है, लेकिन VIP तीनों मिसिंग है यहाँ से। क्यों मिसिंग है मैं बताता हूँ, चलिए। चलूंगा ऑफिस के अंदर, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा अंदर बाहर की चीजें, और आपको आइडिया आएगा कि क्यों बनवाया हमने ऐसा ऑफिस मजबूरी में। ये मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, डेली 4 पैकेट नहीं खाता हूँ, इतना भी नहीं, बट पूरे दिन चलता रहता है। 5 रुपये में ब्रेकफास्ट, यस। तो 30th floor इसलिए क्योंकि 30th floor एक तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा ऊपर होता है एक नेटवर्क अच्छा आता है ऐसा हमें लगा था, बट यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं आता, क्योंकि 13th floor में सिटी के बीचों बीच, लेकिन नेटवर्क नहीं आता। दैट्स हाउ एयरटेल इट इज, और वोडाफोन जो है उसके पास पैसा नहीं है अभी। तो यहाँ से ऐसा कुछ व्यू दिखता है दोस्तों, ये देखो, ठीक है, देख सकते हो आप ऐसा व्यू यहाँ से नज़र आता है। नीचे है इस्कॉन फ्लाईओवर, और सामने का आप जो रास्ता देख रहे हो उसको कोई टेकरा बोलता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बस अब पता चलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑफिस अपनी है। चलो अब हम खोलते हैं। हाँ, बहुत लोग सोचते थे इतना चाबी, इतना चाबी तो किसी बहू के तो उसमें भी नहीं होता है। ऐसा है कि जितने इम्पोर्टेंट लॉकर्स होते हैं या फिर ऑफिस या फिर वेयरहाउसेस या फिर जो भी, उसकी सारी चाबियाँ यहाँ पे लगानी पड़ती हैं। ओके, तो चलिए अंदर। तो ये है एंट्रेंस भाई साहब, ठीक है, और एंट्रेंस के बाद तुरंत राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिसेप्शन है, तो यहाँ पे कोई अगर आता है तो बैठ सकता है। रिसेप्शन एरिया यहाँ पे हमारा लोगो लग जाएगा कुछ दिन में, यहाँ पे एक अच्छा वाला लोगो लगेगा, लाइट वाला। यहाँ पे कैबिनेट्स बनाए स्टाफ के लिए, अपने हेलमेट्स बैग्स वगैरह सब कुछ। यहाँ पे सर्वर रूम है, इंटरनेट वगैरह सब पड़ा रहेगा। देन वी हैव अ स्मॉल डिस्कशन रूम, यहाँ पे कोई अगर गेस्ट आता है बाहर से, किसी को डिस्कशन कर रहे हैं, सिंगल गेस्ट है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये गंदा कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे पेंट्री एरिया है, सो पेंट्री एरिया एंड वॉशरूम, तो उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन में डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न्स डाल दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे, तो नीचे यहाँ पे हमने स्पॉटलाइट्स लगाए, यहाँ पे दो गमले आ जाएंगे और उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ओरिजिनल तो लगाएंगे तो पानी निकल जाएगा नीचे, और यहाँ पे मूर्ति आ जाएगी। सो दैट्स द प्लान। और उसके बाद हमने यहाँ पे बैठने के अरेंजमेंट में दो दो लोगों का अरेंजमेंट रखा है यहाँ पे। सो एक डेस्क में 2 लोग बैठेंगे, 4 लोग, 1, 2, 3, 4, बीच में पार्टीशन आ जाएगा, वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, 12-13 लोग, एंड दिस
स्पेस इज वेकेंट लाइक फ्यूचर हायरिंग के लिए। तो सेटअप कुछ इस तरह से है, लोग जो हैं कुर्सियां ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं एज़ यूजुअल, कुछ कहने के लिए है नहीं। तो दूसरा है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम जो हम डेली यूज़ करते हैं फॉर डेली मीटिंग। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम रखा है, यहाँ पे प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लग जाएगा और ये यहाँ पे कर्टन्स लग जाएंगे। अभी कर्टन्स बन रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद अभी बहुत गर्मी है, भागो। ओके, तो यहाँ पे अच्छा कुछ गमले वमले लगाने और क्या, बस इतना बहुत है। शाम को भी दिखाऊंगा किसी दिन ऑफिस लाइव सेशन में, तो लाइटिंग की वजह से और शायद अच्छा दिखेगा। और ये है मेरा कैबिन, यहाँ पे बैठने के लिए एक सोफ़ा दिया गया और सोने के लिए जस्ट इन केस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोरस का घड़ा रखा हुआ है। मेरी कैबिन जो है वो थोड़ी सी मेसी रहती है ऑलवेज, और आई कॉन्ट हेल्प इट बिकॉज आई एम मेसी, मतलब लियोनेल मेसी नहीं, नॉर्मल वाला मेसी हूँ मैं, तो थोड़ा सा मेसी रहता है, ठीक है। और ये पर्दे जो है टेम्प्रेरी मैंने लगाया क्योंकि सनराइज़ जो है बिल्कुल सामने से होता है। आई कैन शो यू, यू कैन सी यहाँ से, तो ये खुल जाता है बेसिकली, इसे इतना खुल जाता है, यहाँ पे नीचे इस्कॉन ब्रिज है। ओके, और सामने जो है सामने पूरा टेकरा एरिया है। ओके, तो सामने से सनराइज़ होता है और पूरा एकदम लाइट अंदर आता है। अभी देखिए पूरा ब्लॉक करके रखा है, लेकिन एक यहाँ पे रे आपको दिख रही होगी, बड़ी अच्छी। और ऊपर जो है यहाँ पे तो लैंप लग जाएंगे, अभी सिलेक्शन बाकी है, टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे दो पॉइंट बनाया, यहाँ पे एक टीवी लग जाएगी। मेरा प्लान था दो टीवी लगाने का यहाँ पे फॉर अदर पर्पस, तो यहाँ पे दो टीवी लगाने का प्लान था, बट आई थिंक वन इज़ ऑल्सो इनफ, बड़ी वाली। एंड यहाँ पे वॉल शेल्फ थोड़े से बन जाएंगे एंड देन ऑल दिस थिंग्स विल गो अप, ठीक है। कॉर्नर में भी एक शेल्फ बन जाएगा, सो दैट्स द प्लान एज ऑफ नाउ। यहाँ पे जो है वो ये जो हॉल हैंग्स हैं ये वाले जो हैं वो सब मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ यहाँ पे लगाऊँ, आपका कोई सजेशन हो तो बताना। सो ऐसा है कुछ ऑफिस, अभी भी 100% रेडी नहीं है वैसे, ठीक है, और ऐसा नहीं कह सकता कि पूरी तरह से रेडी हो चुका है, अभी भी काम चालू है और आई थिंक चालू ही रहेगा पूरे साल। तो दैट्स हाउ इट इज़। अब एड्रेस भी हमने साइट पे अपडेट करवा दिया है, साइट भी हमारी रेनोवेट हो गई है, नई साइट, एंड गुड वर्क इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम हियर। लोग भी खुश हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली नाराज़ होंगे क्योंकि 100% सेटिस्फैक्शन किसी भी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। कोई चीज़ फ्री में भी दे दो तो भी लोग कंप्लेन करते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़। तो दैट आई कैन नॉट डिनाई, लोग अनहैप्पी भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, हैप्पी लोग ज़्यादा हैं दैट आई नो। तो यहाँ से काम काफ़ी अच्छा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी है, लोग आराम से काम कर सकते हैं। अगर लोगों का काम करने का मूड अच्छा है तो काम भी ऑब्वियसली अच्छा ही होता है। सो दैट वाज द पर्पस टू गेट अ बिगर ऑफिस। जो ऑफिस है उसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ यूट्यूब स्टूडियो में, यस, क्योंकि मैं फुल टाइम ब्लॉगर बन जाऊँगा। जिंदगी लाइफ चेंज, ठीक है, मैं पूरा अच्छा, मैं ऐसा लग तो नहीं रहा ना, ना के नहीं आया हूँ, ना के आया हूँ यार, ठीक है, ना के आया हूँ, बहुत जल्दी आ गया था, उठ गया था, इसलिए मैं 7:30 कितने बज रहे, देखो ये बज रहे हैं 8:00, मतलब 7:30 मैं वहाँ से निकल गया था, चाय वाय पी के 8:00 तक सेट हो गए घर पे, ऑफिस पे पहुँच चुका हूँ। तो दूसरी ऑफिस यूट्यूब स्टूडियो बनाएंगे उसको बड़ा अच्छा सा, क्योंकि अब वहाँ पे तो मैच बैठने वाला हूँ और कोई नहीं बैठेगा वहाँ पे, तो मस्ती से वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, शायद बनाने मिला तो बनाएंगे, व्लॉग टाइप ही बनाऊंगा मैं, अब ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप वीडियोस बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि लोग, देखिए मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ वैसे वीडियोस बनाऊँ, लोग अप्रिशिएट इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, और डिप्रिशिएट उधर भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चलता रहेगा। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू पुट ऑन द मैसेज थ्रू अ नॉर्मल रेगुलर वे रादर देन नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम फलाना ठिकाना वटाना, तो उससे बेटर है कि ये ज़्यादा इजी रहे और इसमें बात करने का मज़ा भी काफ़ी अच्छा आता है और बातें भी बहुत खुल के होती है, क्लियर बातें होती है, एंड दैट्स मोर वैल्यू एडिशन टू वॉट एवर यू डू इन लाइफ, क्या बोलते हो, सही है ना। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई है इस ऑफिस में कि मैं बैठता उधर हूँ, यू नो उधर, और एसी लगा इधर, और धूप आती है उधर से, मैं बैठता हूँ इधर, एसी लगा इधर,
और पसीना मेरे को होता है उधर, अब प्रॉब्लम ये है तो काफ़ी दिक्कत में आ गया हूँ मैं थोड़ा सा। तो मैंने जुगाड़ लगा रखा है, हमारे पास ऐसे फैंस हैं बहुत सारे। देखो ये फ़ैन को मैं ऐसे बटन दबाता हूँ, ऑन करता हूँ और सामने पड़ा रहता है, और फुल रिचार्ज में करीबन ये पौना घंटा, आधा पौना घंटा चलता है, मतलब डायरेक्ट पूरा चलता है आधा पौना घंटा, और हवा आती रहती है। इंट्रोडक्शन पहले शुरू करेंगे प्रवीण, ये हमारे प्रवीण कुमार। प्रवीण कुछ कहना चाहोगे? सिर्फ फ़ोन पे ही बात करते हो? ये वीडियो में जाएगा, किसी का चेहरा नहीं दिखेगा लेकिन वीडियो में जाएगा। जय स्मिता। राज, सूरज कहाँ गया? फुलफिलमेंट सेंटर। अमेजोन एफ बी है। अच्छा। प्रकाश, ये दूसरा सूरज। आकाश, दिशा। फिर यहाँ पे है विमल, बचानी, प्रतीक, नरेंद्र, हाँ तूफानी, नरेंद्र तूफानी। यह आ गया सूरज, हाँ जो आप कंप्लेन करते हैं ना, फ़ोन नहीं उठाते नहीं उठाते, वो ये नहीं है। वो है क्योंकि आप लोग गलत नंबर डायल करते हैं, हेल्पलाइन नंबर डायल नहीं करते, आप लोग जेनरिक नंबर डायल करते हैं, इसलिए। तो प्रवीण संभालते हैं हमारे कस्टमर रिलेशंस। और क्या संभालते हो प्रवीण? मैं भी भूल गया हूँ, कुछ बताओ। तुम्हें भी याद नहीं है। कस्टमर रिलेशंस संभालते हैं, कस्टमर कंप्लेंट संभालते हैं, और मेंबरशिप जो भी लेता है उनका ऑनबोर्डिंग वगैरह स्मिता सेल संभालती है। सूरज अमेजोन पूरा संभालते हैं। राज पूरा फ्लिपकार्ट संभालते हैं। प्रकाश पूरा पेटीएम, क्लब फैक्ट्री, और कौन सा प्रकाश? फ्लिपकार्ट, हाँ वो भी संभालते हैं। सूरज पूरी टीम संभालते हैं। आकाश अकाउंट्स संभालते हैं। दिशा भी अकाउंट संभालती है। नरेंद्र हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। विमल और प्रतीक हमारे वेब डेवलपर्स हैं। अभी सब काम करवा रहे हैं कोविड का इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस की टीम आई है अंदर, अंदर बैठे हुए सबका इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, कहीं किसी को कोविड हो जाएगा तो टेंशन नहीं, मतलब टेंशन तो है बट पैसे का टेंशन नहीं। जा रहा हूँ मैं उस ऑफिस में। सूरज मेन स्विच बंद कर दूँगा। 5-6 वीडियोस आज एक ओके ठीक ओके। तो अभी जा रहे हैं वेयर हाउस। तो ये चाइनीज सेक्शन पूरा अलग कर दिया, चाइनीज मटेरियल टोटल अलग। यहाँ पे चाइनीज पार्ट है पूरा, ये चाइना 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 चाइना, और ये पोर्शन है पूरा इंडिया 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 इंडिया, ये जितना भी है सब कुछ मेड इन इंडिया। यहाँ पे पीछे और यहाँ पे चाइना वाला डाल दिया है टोटल। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ जो जेन्युइनली अच्छी चलती हैं। हाँ एक ये है गैस लाइटर, काफ़ी अच्छी डिमांड है इसकी, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बहुत टाइम से, द खुजली हैंड, ये मेरा फेवरेट है बहुत टाइम से। हाँ स्किप रोप भी है, नहीं ये स्किप रोप नहीं है, ये भी मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि कचरा बहुत करता हूँ मैं गाड़ी में। उसके बाद ये एक फेस मसाजर है, नहीं ये समर के टाइम काफ़ी अच्छा बिक रहा था, हैंड शावर। उसके बाद ये हैंगर्स ऑल टाइम फेवरेट हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। ये ग्लास नहीं निकल रहे हैं, लोग पानी कम पी रहे हैं आजकल, ये ग्लास नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा, लोग पानी कम पी रहे हैं। हाँ फिर ये कुछ रह गए यहाँ पे, ये भी डिमांड बहुत कम हो गई, गांठियाँ वाठियाँ नहीं खा रहे लोग अभी।
तो डिमांड कम है। उसके बाद कुछ नई चीज़ें आई हैं। अच्छा हाँ, ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आजकल, क्योंकि लोग अब घर पे हैं ज़्यादातर, तो कुछ नया नया खाने पीने के लिए चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली तो वो एक ये मॉडल भी अवेलेबल है, बट ये ज़्यादा चलता है। देन वी हैव पटैटो चिप्स, ये भी ये वाला नहीं, हाँ ये बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड में अभी, कैंडी बॉक्स पता नहीं क्यों बट काफ़ी अच्छा डिमांड में, इसलिए भरा हुआ रखा हुआ है, कुछ रैक्स यहाँ पे भरे हुए आपको देखने मिलेंगे। एग क्रैकर काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी अच्छा डिमांड इसका था और अभी भी है। इसके बाद ये क्या है भाई, ओ अच्छा नाइसर डाइसर, ओके वेरी नाइसर डाइसर एक कटर। उसके बाद यहाँ पे जाने में डर लग रहा है मुझे, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है सामान थोड़ा। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ चाइनीज 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 चाइनीज, यहाँ पे बॉक्स में सब भरा हुआ पता नहीं क्या है। उसके बाद लैम्प्स, ये तो ये सब आपने देखा होगा पहले ही वीडियोज़ में, बार बार दिखाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, वैसे आप हमारी वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं हूँ यहाँ पे अपने YouTube स्टूडियो में। अब बेसिकली इस जगह का तो जो है पर्पस दूसरा अभी कुछ फ़िलहाल है नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा मैं इसको शायद YouTube के लिए कुछ करूँगा, अपना जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे रखूँगा और ऐसे यूटिलाइज करूँगा, और तो दूसरा कोई पर्पस है नहीं। वैसे दूसरा एक अपडेट आप सबके लिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उनके लिए एक अपडेट है। अपनी जो B2B एप्लीकेशन है बिट्सोमिया, उसमें GST वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपडेट हो गया है। मतलब कि आपको जितने भी सेलर्स वहाँ पे देखने मिलेंगे वो 100% वेरीफाइड होंगे GST पोर्टल के साथ। मतलब कोई फेक GST नंबर डाल के वो बिज़नेस वहाँ पे नहीं कर सकता, उनका अकाउंट रिवोक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा अगर कोई फेक GST नंबर वहाँ पे डाल रहा है। तो आप 100% वहाँ पे जितने भी सेलर्स को देखेंगे वो GST वेरीफाइड होंगे, जिससे आप जो है थोड़ा सा अश्योर्ड हो सकते हैं कि हाँ जो भी बंदा सेल कर रहा है वो एक्चुअल में वो बिज़नेस कर रहा है। जिनके पास GST नहीं है वो कोई सेल प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं कर सकते, तो GST मैंडेटरी रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, देखिए हमको तो आ रहा है, अब दूसरे लोगों का पता नहीं वो लोग लिस्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे क्या यार क्या हो जाएगा लिस्टिंग करने से, हैं बट ऑर्डर्स आते हैं, हमको तो आ रहा है भाई। अब आप लोग नहीं कर रहे हो तो लिस्टिंग करो और रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वो देखियो। काफ़ी सारे अपडेट्स उसमें आए हैं, अब सारे अपडेट्स का पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उतना लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करूँगा। दूसरा अपडेट में ऐसा है कि काफ़ी हलचल मची हुई है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, चाइना का भी काफ़ी डामाडोल है सिचुएशन। अब ऐसे में लोग बिज़नेस करें तो करें कैसे, प्रोडक्ट्स खरीदें तो खरीदेंगे कैसे, प्राइस बढ़ जा रही है चाइना प्रोडक्ट्स की और इंपोर्ट भी कम हो रहा है, तो क्या किया जाए आगे। तो देखिए इंडिया में भी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया मतलब कुछ बनाता ही नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंडिया में। अगर हम अपेरल्स की बात करें तो अपेरल्स में तो बहुत कुछ है इंडिया में, शूज़ भी मिलते हैं बनते हैं, कपड़े तो हैं ही, जीन्स वगैरह और सनग्लासेस वगैरह जो है थोड़े से चाइना से आते हैं, बट इंडिया में भी अब बनने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन्स भी इंडिया में बनने लगेंगे, जो मोबाइल फ़ोन्स बेच रहे हैं। मोबाइल एक्सेसरीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोग नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं बट वो एक्चुअल में पार्ट्स जो है वो सारे चाइना से ही आते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, थोड़ा सा आपको सस्टेन करना पड़ेगा। और जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, एज आई सेड अर्लियर, ड्रॉप शिपिंग में भी इश्यूज़ आ रही होंगी। आई एम टोटली अवेयर कि प्रोडक्ट्स थोड़े कम हैं बट हम भी लाचार हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते अभी ज़्यादा, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में नहीं है, आप भी जानते हैं कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पे हम डिपेंड नहीं है, हम सर्विसेज में भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आपने ऑफिस भी देखा तो अकाउंटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है और भी अकाउंट मैनेजमेंट है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज में भी हमारा इक्वल फोकस है। तो सिर्फ अगर ड्रॉप शिपिंग ही होता तो हम पूरी जान लगा देते, ड्रॉप शिपिंग में बहुत कुछ उसमें करते, बट इतना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए जो है थोड़ा सा वहाँ पे आपको लैक ऑफ प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं। बट जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो अच्छी प्राइस में अवेलेबल हैं, अगर आप ड्रॉप शिप मेम्बर्स हैं तो आई एम श्योर ऑर्डर्स तो आपको आ रही होंगे। हाँ
अब कुछ लोग बोलेंगे शायद हम मुझे सर ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपकी लिस्टिंग कम है, या तो आप प्राइस ज़्यादा ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हो, या तो लिस्टिंग आप अपडेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और एक ही मार्केट प्लेस में लिस्टिंग करके बैठे होगे शायद, ठीक है, तो ऑर्डर्स आने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और क्या मैं कह सकता हूँ यार, और कहने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि एक वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाया जाए। अब वर्कलोड जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है, बिजनेस एज यूजुअल ओपन हो रहे हैं, कोरोना के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, वहाँ पर रिस्क है, तो इसलिए हमने सबका, हमारे स्टाफ जितना भी है ऑफिस में, सबका इंश्योरेंस करवा दिया कोविड का, ताकि कोई भी इशू अगर ऐसा लगता है तो वो सेफ रहें और उनको फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में मिले। तो आप लोग अगर एम्प्लॉयज़ हैं आपके स्टाफ में, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके स्टाफ के लिए, जिनसे, जिसकी वजह से क्या है कि आपको भी एक लाइबिलिटी ना रहे लंबी चौड़ी। और क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो एज एन एम्प्लॉयर आपसे भी पैसे मांगेंगे वो, और आप उस वक्त मना करोगे, बोलोगे नहीं यार से भागो यहाँ से, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, इंश्योरेंस करवा के रख दो, और कभी भी कुछ इशू आता है तो एटलीस्ट वो भी सेफ रहें और आप भी निश्चिंत रहें। आपका भी करवा लो, सिर्फ उनका नहीं, खुद का भी करवा लो, तो सब निश्चिंत रहेंगे तो काम आसान हो जाएगा। ओके, सो आज को वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और नेक्स्ट क्या आने वाला है मुझे नहीं मालूम। सो जो भी होगा पूरी कोशिश करूँगा एंटरटेन करने की, और साथ में थोड़ी बहुत बिजनेस इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, चाओ।